इंटरचेंज की क्या अपडेट क्या है वैसे? इंशाल्लाह इंटरचेंज बनवा के देंगे या उससे लिंक क्रिएट करा के देंगे। एब्सोल्युटली लायर, आई एम टेलिंग यू ऑन ओथ, एब्सोल्युटली लायर एंड इज अ लायर। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है सी ब्लॉक में, ऑलमोस्ट 80% बेच चुकी है। उसके बाद C1 का नंबर है और फिर A और B ब्लॉक का नंबर है। B ब्लॉक में लाइनें पहले से बिछी हुई थी, जहां जहां लाइनें डैमेज हैं उनको वहां से रिप्लेसमेंट होगी, जहां नहीं है वहां नई लाइन। जब क्रेडिट और कोई लेना चाहता है तो उसे दे दें आप, बिल्कुल मेरी तरफ से दे दें। आई वॉलंटियरली आई गिव इट अवे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके पास मौजूद हूँ ZARA.PK के प्लेटफॉर्म से, और आजकल टॉक ऑफ द टाउन चल रहा है MPCHS का इलेक्शन 2023। कुछ मेन मसाइल हैं MPCHS के जो पास्ट में हल होते रहे हैं, या उसकी अपडेट क्या है, या आगे आने वाली जो भी मैनेजमेंट होगी उसका विजन क्या है? मैं मेन मसाइल पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जी एजुकेशन, हेल्थ, वाटर और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, ये चार इश्यूज इस टाइम पे मेन इश्यूज हैं MPCHS के। और इसके लिए आज एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, मोहम्मद असलम राव साहब, जो हैं प्रेसिडेंट MPCHS के। कैसे हैं असलम राव साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असलम राव साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि एक कुछ मसले मसाइल मैंने अभी आपको बताए कि एजुकेशन में अभी MPCHS की लास्ट मैनेजमेंट ने क्या किया है और आगे इनका क्या विजन है कि अगले दौर हुकूमत में क्या करेगी? एजुकेशन में हमारा कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर है जी। हमारे जितने भी स्कीमें हैं इनमें जितने स्कूल के प्लॉट्स हैं वो हमने कोशिश की कि उन लोगों को दें जो वहाँ पर स्कूल कंस्ट्रक्ट करें और चलाएं। जो पर्सनल एफर्ट्स हैं उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के जो मॉडल स्कूल्स हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट सर्विस से है, ज़्यादातर वक्त एजुकेशन मिनिस्ट्री में गुजरा, अपने ताल्लुकात के पेश नज़र दो स्कूल B17 में और 2 F17 में उस वक्त मैंने सैंक्शन करवा के दिया। मैं आपको यहाँ पे कट करूँगा, ये जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है वो इसका क्रेडिट लेती है, कतन झूठ बोलती है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जिनका प्रेमिसेस झूठ पे हो वो आगे लोगों की क्या कैसी खिदमत करेंगे। एब्सोल्युटली लायर, एब्सोल्युटली लायर। मतलब मल्टी की मैनेजमेंट ने इसको, मल्टी की मैनेजमेंट का ये कारनामा है कि चूंकि ताल्लुकात थे हमारे, उसका आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मिनिस्ट्री, आई न्यू द प्रोसीजर, आई न्यू द पीपल देयर, आई न्यू हाउ टू गेट द अप्रूवल, एंड आई गॉट अप्रूव्ड 4 स्कूल्स, नॉट ओनली 1, 2 in B17, 2 in F17। और जिस दिन ये हुए उनको लेके मैं आया था यहाँ पे, टीम उनकी जो आई थी यहाँ पे, लेकिन इस साल रिपोर्टेडली 1 स्कूल का फंड की एलोकेशन उन्होंने बजट में की है। इसमें लड़कियों का भी है और लड़कों का स्कूल, एक लड़कों का एक लड़कियों का, ठीक है। लिहाजा इसके ऊपर, इसके बारे में अगर कोई शख्स ये बात करता है, ऑन करता है, आई एम टेलिंग यू ऑन ओथ, एब्सोल्युटली लायर एंड इज अ लायर। इसके बाद जी मुझे बताइएगा हेल्थ का, एक लोग यहाँ पे काफी वो करते हैं, तो हेल्थ में पास्ट में क्या काम हुआ है यहाँ पे? देखिए जी, पास्ट में हमने सबसे पहले तो अपना मेडिकल सेंटर जो है इसको फंक्शनल किया, सो वी आर ग्रेटफुल टू मेजर पंकज, इन्होंने हमारी जो टेक्निकल असिस्टेंस की और वहाँ पे प्रोफेशनल लोगों को लाए, और अभी तक वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज हाईली अप्रिशिएबल ऑफ देयर सर्विसेज। हमारे देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं बड़े रियल प्रोफेशनल लोग हैं और अच्छी उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन जिस सतह पर होना चाहिए वो नहीं हुआ। मुझे अप्रोच किया था KPK के डॉक्टर्स थे सऊदी अरेबिया, बहरैन, कुवैत और यहाँ पे, जो न सिर्फ ये कि हाईली क्वालिफाइड थे बल्कि फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग पार्टी थी, और दे वॉन्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डिक हॉस्पिटल इन B17। मैंने उन्हें लैंड की भी ऑफर दी, बाकी चीज़ों में भी मैंने पेशकश की फैसिलिटेट करने की, बट समहाउ दे स्टेप्ड बैक एंड आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस। लिहाजा अब हॉस्पिटल्स के प्लॉट हैं और हम इस तलाश में थे कि कोई हमें, जैसे ये शिफा है या अली हॉस्पिटल है या कलसोम हॉस्पिटल है, इस टाइप का कोई ब्रांड जो है यहाँ के अस्पताल खोल ले तो हम उन्हें पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, एक इशू है जिसकी वजह से तमाम लोग B17 में, स्पेसिफिकली मैं MPCHS के प्रोजेक्ट B17 की बात करूंगा, यहाँ पे लोग शिफ्ट होते हैं, वो है पानी। यहाँ पे पानी बहुत सारे सेक्टर्स में वाफर मकदार में, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स में पानी का इशू है, उसके लिए आपने क्या किया और आगे क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। परसेप्शन ये था कि B17 में अंडरग्राउंड पानी नहीं है, दिस वॉज द परसेप्शन ऑल ओवर, जो भी कोई एक तबका महसूस नहीं है इसमें।
हमें अलहमदुल्ला में हमारे साहब का जो कमेटी के उन्होंने बताया कि वाकेंट में एक कंपनी है जो जिन्होंने सियाचिन में जो ग्लेशियर में जो हमारे फौजी शहीद हुए थे उनकी डेड बॉडीज को बर्फ के नीचे आइडेंटिफाई किया था और तमाम की तमाम डेड बॉडीज वहां से रिट्रीव हुई थी। हमने उस कंपनी से रब्ता किया, अलहमदुल्ला उसने सर्वे किया, ट्रायल बोरिंग की, आज 6 ट्यूबवेल जी ब्लॉक में फुली फंक्शनल है, पानी आ रहा है वहां। डी ब्लॉक में इतना बड़ा अल्लाह ने रिजर्वायर हमें दिया है पानी का, हम समझते हैं कि कम से कम इस स्टेज पर हमें पानी की कोई किल्लत महसूस नहीं होगी। चूंकि मैंने जब यहां मालूम किया था कि कहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो इन्होंने कहा जी सी ब्लॉक में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, सी ब्लॉक में ऑलमोस्ट 80% बिछ चुकी है, उसके बाद सी वन का नंबर है और फिर ए और बी ब्लॉक का नंबर है। बी ब्लॉक में लाइनें पहले से बिछी हुई थी, जहां जहां लाइनें डैमेज हैं उनको वहां से रिप्लेसमेंट होगी, जहां नहीं है वहां नई लाइन डालेंगे। ये तो है पानी का जो हमारा हमें सब सॉइल वाटर रिसोर्स जो हमें अल्लाह ताला ने मुहैया किया। मजीद भी सर्वे भी जारी है, जहां नहीं भी आइडेंटिफाई हुआ हम ट्रायल बोर करेंगे। इसके अलावा हमें CDA से 3 क्यूसिक फीट पानी सैंक्शन है ऑलरेडी, ओवरफ्लो ऑफ द मेन रिजर्वायर, वो हम उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कनेक्ट हो जाती है तो मेरा ख्याल कि उसके बाद पानी की कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। अब इसका भी क्रेडिट और कोई लेना चाहता है तो उसे दे दें आप, बिल्कुल मेरी तरफ से दे दें, आई वॉलंटियरली आई गिव इट अवे। चौथी चीज आती है एक्सेसिबिलिटी की। B17 में जितनी भी अभी लास्ट कुछ 5-6 सालों में जो ग्रोथ हुई है वो इसकी जितनी एक्सेसिबिलिटी बेटर हुई है, वन ऑफ देम इज़ मार्गला रोड, ठीक है। और दूसरा लोग बड़ी एक्सपेक्यूलेशन करते हैं इंटरचेंज के बारे में, इंटरचेंज की क्या अपडेट क्या है? वैसे हमने इंटरचेंज के लिए अप्लाई किया, साइट 2-3 दफा आगे पीछे जरूर हुई इन द मीन। अब वो कहते हैं जी अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने अप्लाई किया है, कोई डॉक्यूमेंट चल रहा है, हाँ। कोई प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का एक डॉक्यूमेंट, हाउ टू वेरीफाई दैट डॉक्यूमेंट, इसकी लेजिटिमेसी को कौन वाउच करेगा। हमने अप्लाई किया, उसके बाद हम क्यों रुक गए कि 18 स्कीम कश्मीर हाईवे पे है कलसुम सैफुल्ला ग्रुप की, उन्होंने भी इंटरचेंज के लिए अप्लाई किया, दे आर मच मोर रिसोर्सफुल देन वी पीपल। हमने देखा कि आया NHA उनसे क्या चार्ज करता है, एंड रिपोर्टेडली द अमाउंट डिमांडेड फ्रॉम दैट ग्रुप वॉज मच लेस देन दैट, देयरफॉर वी जस्ट वेटेड फॉर इट, क्योंकि उन देखते हैं उनको कितने में इंटरचेंज पड़ता है फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो ये रीजन, दूसरी रीजन ये है कि ये मार्गला रोड लिंक की जा रही है M1 के साथ, 1.4 किलोमीटर ICT में है, 1.6 किलोमीटर पिंडी में, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के रेवेन्यू डिपार्टमेंट आर एक्वायरिंग लैंड फॉर इट। हमारी कोशिश है कि उसके साथ हमें एग्जिट और एंट्री मिल जाए, तो जो भी है इसका फैसला नई कमेटी करेगी, हम तो अब वी आर नो मोर। अगर हम आए इंशाल्लाह इंटरचेंज बनवा के देंगे या उससे लिंक क्रिएट करा के देंगे मरगला के साथ, अगर ना हुए तो फिर लेट द पीपल डिसाइड। कोई एक मैसेज देना चाहते हैं MPCHS के रिहायशियों को, मेंबर्स को, कोई मैसेज देना चाहते हैं? यस, देखिए जी, इलेक्शन लड़ना हर एक का जमहूरी हक है और कोई भी आदमी उसमें हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसका एक ज़ाब्ता इखलाक होता है हर इलेक्शन का, जिसमें आप कन्वेंसिंग करें जरूर, अपने अपने मैनिफेस्टो को आप जितना हाईलाइट कर सकते हैं करें, लेकिन ये नहीं कि दूसरों की किरदार कुशी करना, ये उसमें अवॉइड करना चाहिए हमें, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें सुनने में आ रहा है कि जो मुखालिफ ग्रुप खड़े हुए हैं उसमें आउटसाइड ग्रुप्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, हर वो ग्रुप जो मल्टी के खिलाफ है, मल्टी की क्यादत के खिलाफ है, वो ग्रुप्स आके उसमें शामिल हो चुके हैं। अब ये फैसला मेंबरान ने करना है, 2017 के रेजिडेंट्स के अलावा मल्टी की तमाम स्कीमों के रेजिडेंट्स ने करना है कि मल्टी के डिसीजंस मल्टी के लोग करेंगे या आउटसाइड ग्रुप्स करेंगे। वो आउटसाइड ग्रुप्स जो इसमें इंक्लूड हुए हैं वो भी किसी न किसी मल्टी की सॉरी किसी भी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं। वो बेहतर यह है कि अगर हमारे ये मेंबरान उनकी परफॉर्मेंस जाके देखा है, उनकी कारकर्दगी जाके देखा है, और जिस तरह उन सोसाइटियों का बट्टा उन्होंने बिठाया है, डबोया है जिस तरह से, जहां उन सोसाइटीज के कब्रिस्तान तक को बेच के खा गए हैं वो, अगर वही हाल उन्होंने यहां करना है 2017 का पूरी मल्टी की सोसाइटियों का, तो मेंबरान का अपना फैसला है जी, वो जिसको चाहे मंतखब करें, अच्छाई बुराई दोनों चीजें उनके सामने है। ये हम जानते हैं कि मल्टी फाउंडर ग्रुप इंशाल्लाह कामयाब होगा, और अगर कामयाब ना हुआ तो विद इन 6 मंथ्स आप देखेंगे
कि शायद आज वो लोग जो मल्टी की सोसाइटियों में रिहाइश रखना पर एक प्राइड लेते हैं, वो हो सकता है कि यहाँ से रिहाइश तब्दील करने के बारे में सोचना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ मौजूद थे मसलम मोहम्मद असलम राव साहब, एक्स प्रेसिडेंट MPCHS। और इसी तरह की मालूमती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।